प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय दोस्तों, देखिए आज हम आपको तीन अंकों वाली गुणा या ट्रिपल गुणा बताएंगे, समझाएंगे। आप आराम से एक या दो सेकंड में कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए जरा ध्यान दें, ट्रिपल गुणा आपकी क्या है? 9, 6, 8। आपको तीन अंक दे रखे हैं, 7, 4, 9। इन तीनों से गुणा करना है। तो आप इसमें सबसे पहले रूल को समझ लें। रूल क्या है? अगर आप रूल समझ जाएंगे तो आप आराम से ट्रिपल गुणा निकाल सकते हैं और कर सकते हैं। देखिए आपका फर्स्ट रूल क्या है। आपको जो क्वेश्चन में तीन अंक इस तरीके से दे रखे होंगे तो उसमें आपको इस वाले की आमने सामने गुणा करना है। ये आपका फर्स्ट वाला रूल है, ये आपका फर्स्ट वाला रूल है। आगे आप देखिए सेकंड वाला रूल क्या है आपका। इस तरीके से आपको अंक दे रखे होंगे तो आपको इस वाले की और इस वाले की तिरछी गुणा करना होगी। इसी तरीके से इस वाले की और इस वाले की तिरछी गुणा करना होगी। आप ज़रा ध्यान दें, इस वाले की और इस वाले की तिरछी गुणा करना होगी। इसमें आप कैरी का भी ध्यान रखें क्योंकि कैरी लगती है या हासिल लगता है। अब आप देखिए तीसरा रूल, ये आपका तीसरा रूल है। आप इसमें बीच वाले की आमने सामने करेंगे, उसके बाद आप इस वाले की और इस वाले की करेंगे, फिर आप इस वाले की और इस वाले की करेंगे। ये आपका तीसरा रूल है। हम आपसे दोबारा कह रहे हैं कि आपको कैरी और हासिल का ध्यान रखना होगा। अब आप देखिए चौथा वाला रूल क्या है आपका। ये जो आपको तीन अंक इस तरीके से दे रखे होंगे तो इसमें आप ये वाले की क्रॉस और इस वाले की क्रॉस करेंगे। ये आपका चौथा रूल है। आप हासिल का ध्यान रखें या कैरी का ध्यान रखें। अब आप देखिए पांचवा रूल, पांचवा रूल आपका क्या है, जरा ध्यान दें। पांचवें वाले में जो आपको तीन अंक इस तरीके से दे रखे होंगे तो आप इन वालों की आमने सामने गुणा करेंगे। अब आप देखिए अपने क्वेश्चन में किस तरीके से आपको मल्टीपल को कंप्लीट करना है। देखिए प्रिय दोस्तों, देखिए हमने आपको इसमें रूल समझा दिए हैं। रूल आपके पांच हैं। आप केवल रूलों को ध्यान रखें, आप आराम से ट्रिपल गुणा को निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। ये रूल केवल ट्रिपल गुणा के ही हैं। देखिए ज़रा आप ध्यान दें, ट्रिपल गुणा में आपका 9, 6, 8, 7, 4, 9 दे रखा है तो इसमें आप फर्स्ट वाला रूल लगाएंगे। देखिए फर्स्ट वाला रूल आपका क्या है, ज़रा ध्यान दें आप। फर्स्ट वाला रूल आपका क्या है, देखिए ज़रा आप। तो आप करेंगे 9, 8, 72। 72 क्या आएगा आपका, 72 क्या आएगा आपको, ज़रा ध्यान दें। 72 का 2 और इसमें आप कैरी या हासिल कह सकते हैं, कैरी या हासिल का भी ध्यान रखें। आप इसमें कैरी या हासिल का भी ध्यान रखें। देखिए जरा ध्यान दें आप, 9, 8, 72। तो 72 क्या आएगा आपका, 2 आ जाएगा। 72 का 2 और हासिल क्या लगे होंगे आपके, 7 हासिल लगे होंगे। ये पहला वाला रूल लगा है। अब आप देखिए जो आपका सेकंड वाला रूल है जो हमने आपको कराया है, सेकंड वाले रूल में क्या है आपका, आपके ये वाले और इसकी और इसकी और इसकी तिरछी गुणा होती है। अब आप देखिए जब आप इसकी इससे करेंगे तो 9, 6, 54 हो जाएगा आपका। इसी तरीके से 8, 4, 32 हो जाएगा। तो 32 और 54 को आपको जोड़ना है और जो आपका 9, 8, 72 का 2 और 7 हासिल लगे तो वो भी आपको जोड़ना है। याद रखें कैरी को ना भूलें, कैरी को आप ना भूलें, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो आपका ये 9, 6, 54, 4, 8, 32 और जो आपके कैरी के 7 थे, इन तीनों को जोड़ने के बाद आपका 93 आ रहा है। 93 के 3 और 9 हासिल आपका लगा या कैरी आपकी 9 लगी, याद रखें आप। अब आप देखिए तीसरा वाला रूल क्या है आपका। ये आप इसकी और इसकी गुणा करेंगे, मतलब 6, 4, 24। उसके बाद आप इस वाले की इसकी गुणा करेंगे, फिर इसकी और इसकी करेंगे। आपका ये तीसरा वाला रूल है। तो 9, 9, 81 और आपका ये और इसकी गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 7, 8, 56। 7, 8, 56 और आपके कैरी के 9 होंगे। आप कैरी को ना भूलें, नहीं तो आपकी फिर मिस्टेक हो जाएगी।
आप कैरी को ना भूलें, नहीं तो आपसे फिर मिस्टेक हो जाएगी। ज़रा ध्यान दें, आपका कितना आ गया, 9, 24, 81, 56। आपको तीनों को जोड़ना है, तीनों को जोड़ने के बाद क्या मिलेगा आपको, 170। तो 170 का आपका जीरो आ जाएगा और जो आपकी कैरी या हासिल लगेगी वो आपकी 17 लगेगी। आप कैरी का ध्यान रखें। ये आपका तीन रूल हो गए। आप देखिए आप चौथा वाला रूल आपका क्या है। चौथे वाले रूल में क्या होता है, इसकी गुणा और इस वाले की गुणा। चौथे वाले रूल में क्या होता है, इसकी गुणा और इसकी गुणा। तो आपकी जब 9 और 4 की करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 9 चौक 36। इसी तरीके से आप 7 और 6 की करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 7 छंग 42। अब आपके कैरी के 17 लगेंगे, वो भी इसमें आपको जोड़ना है। अब जरा आप ध्यान दें, जब आप 36, 42 और 17 को जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 85। तो 85 के 5 और आपका 8 हासिल लगा होगा। अब देखिए पांचवा रूल क्या है, पांचवा रूल आपका क्या है, इसकी और आप इससे करेंगे तो आपका होगा 9 सत्ते 63। और आप ज़रा ध्यान रखें, कै हासिल लगे थे आपके, 9 सत्ते आपके 63। देखिए ज़रा ध्यान दें आप, आपका 9 चौक 36, 7 छंग 42 और जो आपके कैरी के 17 थे इनको आपको जोड़ने के बाद आपका 95 आ रहा है। आपका क्या आ रहा है जोड़ने पर, 95 आ रहा है। तो 95 के 5 और 9 हासिल लगेंगे आपके। फिर आप देखिए पांचवा रूल क्या है आपका, पांचवा रूल है आपका 9 सत्ते 63। 63 में जब आप 5 को जोड़ेंगे, सॉरी 63 में आप 9 को जोड़ेंगे क्योंकि 95 का 5 9 कैरी लगी है ना। तो पांचवा रूल क्या है आपका, 9 सत्ते 63। 63 में आप क्या जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 72। 63 में आप 9 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 72 मिल जाएगा। ये आपकी 3 अंकों वाली या 3 डिजिट वाली कंप्लीट गुणा हो गई। आप आराम से 1 या 2 सेकंड में कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बस आप जो आपको हमने 5 रूल लिखाए हैं, 5 रूलों का आप ध्यान रखेंगे तो आप आराम से इसको कंप्लीट कर लेंगे और निकाल लेंगे। आप वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी इम्पोर्टेंट प्राप्त होता रहे।